हजार रुपए का चलान कटा है, 82 की स्पीड थी। सभी भाइयों का राम राम। भाइयों मैं ऋषिकेश से निकल चुका हूँ, हरिद्वार क्रॉस कर चुका हूँ। बारिश बहुत ज़्यादा आ रही थी जिसकी वजह से कैमरा ऑन कर ही नहीं पाया और ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि क्या कहना। अब थोड़ा सा फ्री हुआ यहाँ से निकला तो मैंने कहा अब कैमरा ऑन किया जाए। माइक वाइक सब भीग गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो आ जाएगी, क्लियरिटी आएगी जितना हो सकता है। मौसम तो अच्छा है लेकिन वही है कि बारिश तेज आ रही थी काफी। कावड़िए जा रहे हैं, हर हर शंभो शंभो, फिर जाम लगा पड़ा है, हर जगह जाम है। मेरी हो सकता है हल्का सा साउंड थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया बिकॉज ऑफ माइक थोड़ा गीला हो गया इसलिए ज़्यादा। सुबह 11 बजे का चला हुआ है, सोचो अब बज रहा है 2। अब जब टाइम मिला है कि माइक कैमरा ऑन किया जाए, इतना जाम था भयंकर वाला, पूरा ऋषिकेश से लेके हरिद्वार तक पूरा पैक था, ऊपर से बारिश। वो तो शुक्र करो बाइक है तो निकल गया, गाड़ी होती तो फिर खड़ा रहता। तो बाइक थी थोड़ा बहुत इधर उधर साइड सूड करके गाड़ी हो गया आगे से निकल गए। ये दो तीन चीज़ तो समझ में आई है कि पहली बार मैंने बारिश में मोटर ब्लॉगिंग करने की कोशिश की थी तो इतना तो समझ में आ गया कि बारिश में कैमरा कितना भी अच्छा हो बट मोटर ब्लॉगिंग उस लेवल की नहीं हो सकती। तो समझ में आ गया कि गर्मी तो फिर भी गर्मी में फिर भी हो सकती है मोटर ब्लॉगिंग लेकिन बारिश में नहीं हो सकती। ट्रैफिक की वजह से तो खाना भी नहीं खा पाए हैं अभी, कहीं ढंग का कोई ढाबा मिलेगा तो वहाँ पर खाना खाएंगे। फिर बीच बीच में बारिश शुरू हो रही है हल्की हल्की, अभी बंद हुआ है, हल्की हल्की फुहार टाइप में पड़ रही है, मतलब इतनी तेज नहीं है कि आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते कैमरे के साथ। ये देखो यूपी का बंदा, रोड खाली पड़ा बट हॉर्न पे हॉर्न लगातार दबा के चल रहा है, या तो इसकी आंखें खराब है या फिर मेरे को लगता है हॉर्न खराब है। हॉर्न तो खराब नहीं लग रहा, मेरे को लगता है इसकी आंखें भी खराब है। कल बारिश में जैसे कर रहा था ब्लॉगिंग तो हल्का सा कैमरे में पानी चला गया था, हल्का सा कैमरे में पानी चला गया था क्योंकि जो इसकी फ्रंट साइड की स्क्रीन होती है उसमें हल्का सा मॉइस्चर दिख रहा था मुझे। मैंने कहा वापस गुड़गांव जाऊंगा तब इसका सोल्यूशन करेंगे, अभी तो चलने दो, इतना चला सकते हैं उतना चलाते हैं, थोड़ा बहुत तो ब्लॉगिंग बनेगी। वैसे आज हर जगह बारिश हो रही है, गुड़गांव में भी बारिश हो रही है, दिल्ली में भी हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है। मुझे थोड़ा सा देख के निकलना चाहिए था, थोड़ा वेदर देख के निकलता तो इतना इशू नहीं आता, लेकिन ठीक है जूतों में पानी भरा है, ऊपर रेनकोट पहना हुआ है और रेनकोट भी कितना बचाएगा, इतना नहीं बचाता रेनकोट भी, बस थोड़ा बहुत बचा लेते हैं। लेकिन अगर नॉन स्टॉप आप बारिश में चल रहे हो तो आपको वो अंदर गीला करेगा, कल पूरा पता कपड़े गीले हो गए थे सारे, बचा नहीं था कुछ भी। कल एक चीज़ और हुई मेरे को, कल बाइक में थोड़ा सा इशू हो गया था कि अपने आप ही ना चाबी भी निकाल दिया तो लाइट चल रही थी बाइक की और फॉग लाइट भी ऑटोमेटिकली चलते जा रही थी, अपने आप ही बंद हो जा रही, अपने आप ही चल रही, चाबी निकालने के बावजूद कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया था लगता बारिश में। अब क्या है ना, होंडा का बिगिंग जो सर्विस सेंटर है वो हर जगह है नहीं, ऋषिकेश में था नहीं, फिर मैंने सर्विस सेंटर में फ़ोन किया और वहाँ से पता किया तो पता चला कि देहरादून में है। तो 45 किलोमीटर गया, 45 किलोमीटर देहरादून में जाके फिर सर्विस सेंटर में दिखाई, उन्हें भी समझ में कुछ खास नहीं आया बट उन्होंने एक चीज़ कर दिया कि आपका जो फॉग लाइट का जो वायर थी ना वो वहाँ से हटा दी और फ्यूज हटा दिया, तो उससे क्या हुआ गाड़ी सही चलने लगी, गाड़ी के लाइट लूट सब सही बंद होने लग गई। लेकिन इशू उसमें बहुत ज़्यादा हो गया था, उसकी वजह से फिर दिमाग ख़राब हो गया, फिर कहीं ज़्यादा घूम ही नहीं पाया। टोल है पक्का, टोल ही है, टोल पे जाम देखो भयंकर जाम लगा पड़ा है। सब कहने की बातें हैं कि 10 मिनट से ज़्यादा वेट करना पड़े तो चलान जो अपना टोल होता है फ्री होता, कोई फ्री नहीं करता ये लोग, ये देखो ना कितना जाम लगा पड़ा है। इंडियन गवर्नमेंट को इस चीज़ का कुछ करना चाहिए, कंफर्म इसका कुछ करना चाहिए। मौसम तो अच्छा हो गया, बारिश रुक गई है,
अब तो फुहार भी नहीं पड़ रही है, मौसम ठीक हो गया अब, बस आगे बारिश ना हो। अभी तो मैंने क्या किया है ना, पन्नी लगा रखी है कैमरे पे और हल्का सा होल कर रखा है कैमरे पे, तो मे भी विजन थोड़ा सा ऐसे ही आ रहा होगा, बट आगे कहीं ढाबे पर हुआ ना जब मैं, तो पन्नी हटा दूंगा। हवा की डिस्टरबेंस हो सकती है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, थोड़ा सा इस चीज़ पर गौर करना और प्यार बनाए रखना प्लीज़। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़, शेयर मत करो अभी चाहे, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब तो कर दो यार। शेयर तो मुझे पता भी आप लोग करोगे नहीं, तो लाइक ही कर दो यार। एक्चुअली ढाबे में इशू ये है कि वर्कर नहीं है, मैं दो में रुक चुका हूँ, वर्कर ही नहीं है, बैठे हैं बैठे हैं, आएगा वेटर ऑर्डर लेने। मैंने कहा ऐसी जगह रुकूंगा जहाँ थोड़ा खाली हो। हाँ तो मैं एक चीज़ बता रहा था आपको लास्ट में रह गया, तो बात आपसे बात करने में, कि देहरादून में मुझे पता नहीं था कि स्पीड लिमिट होती है कुछ, क्योंकि नॉर्मली हर जगह चलेगा बाइक की कोई लिमिट नहीं होती ज़्यादातर, तो बाइक का चलाना ऐसा कुछ खास करता नहीं कभी। तो मैं जब बाइक चेक कराने गया वहाँ पे देहरादून में, और तो मुझे पता ही नहीं चला जब मैं वापस ऋषिकेश पहुँच गया बाइक को ठीक करा के, तो मेरे को देहरादून पुलिस की तरफ से मैसेज आया, उत्तराखंड पुलिस की तरफ से, कि जी आपका ओवर स्पीडिंग का चलान कट गया। ऑनलाइन भेज दिया भाई साहब ने, 2000 रुपये का चलान कटा है, 82 की स्पीड थी जो कैमरे में डिटेक्ट किया उन्होंने। मैंने कहा लो जी, साथ वाले लड़के से पूछा, यार खड़े तो नहीं थे, खड़े होते खड़े तो नहीं थे, मैंने खड़े नहीं थे, ऊपर से कैमरे ने कैच किया, मेरे को दिखा नहीं, मेरे को पता नहीं चला कि कैमरा है यहाँ पे। तो वही है कि 2000 रुपये का चलान भुगतना पड़ेगा, और वापस गुड़गांव जाके भरूंगा चलान। इतना ज़्यादा कच्चे में उतार उतार के लेके आनी पड़ी ना बाइक, बाइक का बैलेंस भी बिगड़ गया, हैंडल कांप रहा है अपने आप ही, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ये देखो आप हल्का सा अगर आपको दिख रहा हो तो बबलिंग कर रहा है, टायर में हवा तो है, आगे भी पीछे भी, तो पंचर तो अभी नहीं हुआ है, मे भी हल्की हल्की फुहार फिर चालू हो गई है इस पर। यहाँ पर यूपी में इंटर कर गए हैं शायद हम, यहाँ पर फिर फुहार चालू हो गई हल्की हल्की। कैमरा उतारना पड़ेगा क्योंकि कल जैसे मॉइस्चर चला गया था कैमरे में, तो कहीं दोबारे ना चला गए, अभी मुश्किल से महीना भी नहीं हुआ कैमरे को। मैंने ब्रेकफास्ट समझ लो कि लंच समझ लो, दोनों ही कर लिए। एक खाली ढाबा मिल गया था, तो खाली ढाबे पे थोड़ा जल्दी खाना हो गया मेरा। बारिश बिल्कुल रुक चुकी है हल्की हल्की, बादलों में से सूर्य देवता झांक रहे हैं थोड़े बहुत से, वाले खड़े हैं मौके की तलाश में, मौका कैसा भी हो सकता है, समझने वाले पे डिपेंड करता है मौका कैसा है। बाकी सब तो सूख गया, बस सॉक्स एंड शूज नहीं सूखे हैं, इसलिए आज मैंने जींस भी नहीं पहनी थी, मैं लोअर डाल के आ गया था, लोअर टी शर्ट डाल के ऊपर रेनकोट और राइडर जैकेट डाली और निकल पड़ा, क्योंकि कल की जींस सूखी नहीं थी, मैंने कहा आना था और कोई जींस पहनूंगा वो भी गीली हो जाएगी, पर सहन करना मुश्किल है, मेरा पजामा ही डालो, लोअर डाल के चल दो, मैंने गीला वो भी होना गीला ये भी होना, थोड़ा कंफर्टेबल तो रहेगा लोअर में। बट अगर कोई रेन कोट जो है ना राइडर के लिए अलग कोई लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैंने घोर के अंदर पानी जाता है, क्योंकि कल राइडर जैकेट में मेरा थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ था, तो रेन कोट के अंदर से जाके राइडर जैकेट में गीला हो गया वो, तो इसका मतलब जो जैकेट के साथ रेन कोट आया था वो वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर, तो कोई और ज़्यादा बढ़िया सा ढूंढना पड़ेगा रेन कोट जिसका कुछ गारंटी वारंटी हो। देखते हैं राइनॉक्स का अगर आता हो ऐसा, अगर राइनॉक्स का अच्छा होगा तो राइनॉक्स का ले लेंगे, क्योंकि राइनॉक्स का मेरे को एक हेड कैप भी लेनी है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं होंडा राइड पे गया था तो होंडा के शोरूम पे मेरा हेड कैप गिर गया था राइनॉक्स का, और किसी ने उठा लिया, दिया भी नहीं, वापस भी नहीं दिया ना रिसेप्शन पे दिया, और होंडा वालों से पूछा तो वो कहते हैं जी छोटी सी चीज़ है उसके लिए क्या कैमरे में देखेंगे हम, जिसको मिला होता तो दे ही देता कोई, मैंने दे दिया होता तो मानता भी, दिया नहीं तो दैट्स मीन्स रख लिया ना, मैंने कहा चलो कोई नहीं। अब दिक्कत ये है जो हेड कैप है राइनॉक्स का वो गुड़गांव में मिलता ही नहीं, उसके लिए स्पेशली अब करोल बाग ही जाना पड़ेगा,
मैं ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले मैंने चेक किया था जब तो था नहीं। अब जाके देखूंगा, अगर गुड़गांव में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर करोलबाग जाके ही लेना पड़ेगा क्योंकि ऑनलाइन भी आउट ऑफ स्टॉक है, रैनॉक्स की साइट पे भी नहीं है और वैसे भी अमेज़न या कहीं पे भी देखोगे तो नहीं अवेलेबल है। यहाँ हरियाली भी है ना इतनी कि बारिश होते ही ठंडक हो जाती है। मैं इस रोड से जब कई बार आया हूँ बाइक से गाड़ी से आया हूँ तो सर्दियों में तो पूरा भयंकर फॉग होता है यहाँ पे, इस रोड पे कुछ नहीं दिखता, दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता है। अब जैसे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चल रही है उस टाइम पे आप 30-40 से ऊपर चला नहीं सकते, कुछ दिखता ही नहीं है सामने। चलिए थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ, थोड़ा सा और बेची जाए बाइक, रास्ता कवर किया जाए, फिर आपसे बात करते हैं। अभी जस्ट 5 मिनट पहले क्या हुआ, एक मुस्लिम लड़का स्कूटी पे, दो लड़के बैठे हुए हैं और राइट साइड में देख रहे हैं, सामने देख ही दे रहे हैं और लेफ्ट साइड होए जा रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं कहाँ मुड़ेगा आज ने, बिल्कुल जब आमने सामने आगे मैं हॉर्न बजाता आ रहा हूँ उसको सुन ही नहीं रहा, पता नहीं किस बुद में है। बस ये लगा लो कि भिड़ते भिड़ते बचे हैं। फिर उसको बोला मैंने कि भाई क्या चला रहा है, कहाँ देख रहा है, कोई जवाब नहीं। मैंने कहा जा भाई, मैंने कहा मेरी किस्मत अच्छी थी। जय बजरंग बली। पूरी फैमिली बैठी है, हो क्या, ऊपर सवारी कर रहा था बंदर का बच्चा, बंदरी के ऊपर आराम से बैठा हुआ, पीछे लटके हुए तो बहुत देखे मैंने बच्चे, लेकिन पहली बार तक पीठ पे बैठा हुआ है और मजे से बैठा है, उन्हीं माँ की सवारी कर रहा है। एक तो क्या है ना, ये कई गाड़ी वाले जो लोकल गाँव देहात में रहते हैं ना, ये लोग पता है क्या करते हैं, थोड़ा सा टशन दिखाने के लिए, रोप दिखाने के लिए पुलिस सायरन ना फिट करवा लेते हैं अपनी गाड़ी में, और जैसे ही कोई सामने आएगा या ट्रैफिक में होगा तो बजा देंगे कि हाँ कोई वीआईपी आ गया। अब इनको इनके समझदारी तो बोलेंगे ना, समझी ही बोलेंगे क्योंकि खुद तो नाम बनाया नहीं गया तो चलो जी डुप्लीकेट नाम बना लिया जाए। अगर बारिश तेज होगी ना तो थोड़ी देर रुक के रेस्ट ही कर लूँगा, कहीं चाय चूहे पी लेंगे अगर ज़्यादा तेज होगी तो, क्योंकि कैमरा भी उतारना पड़ेगा, कहीं जगह मिल जाए क्योंकि तेज हो गई है बारिश, कहीं जगह मिल जाए वहाँ रोक लेता हूँ एक बार। बारिश भी रुक चुकी है, हल्की हल्की धूप भी निकल चुकी है, मैं ऑलमोस्ट गाजियाबाद ही पहुँच चुका हूँ, तो मैंने फिर कैमरा अगेन लगाया है। कैमरे का जो रिव्यू है ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूँ तो बहुत बढ़िया है, बैटरी भी मैंने रात को चार्ज की थी, सिंगल बैटरी चल रही है अभी तक, दूसरी बैटरी का तो यूज ही नहीं किया मैंने अभी तक, सिंगल बैटरी में यहाँ तक आ गया हूँ। वो बात भी है कि ऋषिकेश से लेके और अपना हरिद्वार तक तो रिकॉर्डिंग कर ही नहीं पाता बिकॉज ऑफ बारिश की वजह से। गाड़ियों में लोग है ना कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और बोतल है ना उठा के शीशा खोला रोड पे फेंक दी, ये नहीं देखते कि किसी बाइक वाले का बैलेंस बिगड़ गया, उसका एक्सीडेंट हो गया तो कौन भरपाई करेगा, क्योंकि बाइक की तो भरपाई हो जाएगी बट जान की भरपाई कैसे होगी, जान मान की हानि ये भरपाई कभी नहीं हो सकती, कितना भी पैसा दे दो चाहे, लेकिन कौन समझाए इनको, केले खा के बाहर छिलके फेंक देंगे ऐसे। रास्ते में जब आ रहा था मैंने बहुत देखा कि लीचियाँ आम केले खा के और रोड पे गिर रहे हैं गाड़ी चलते चलते। जैन शिकंजी, अरे पिछली बार जब मैं रामनगर गया था तो शिकंजी बहुत भीड़ लगती है उस पर यार, और तीखी भीड़, अगर अगर आपको शिकंजी लेने तो मान के चलो आपका आधा घंटा लगेगा, अभी तो नहीं होगी भीड़ इतना क्योंकि इस टाइम पे इतना ज़्यादा भीड़ नहीं लगती, दिन में ज़्यादा भीड़ लगती है गर्मी के टाइम। जय भैरव बाबा की जय। शाम के टाइम सूर्य देवता अच्छे खासे चमक रहे हैं। टोयोटा की ये गाड़ी मुझे आज तक समझ ही नहीं आई, क्यों ना गाड़ी है 1 करोड़ की लेकिन मतलब इसकी लुक उस टाइप की नहीं लगती कि यार 1 करोड़ की गाड़ी होनी चाहिए। एक से एक शोरूम है गिटोरनी में, एक से एक हर तरह का ब्रांड, हर तरह की चीज़ मिल जाती है यहाँ पे। हाँ बट रेट भी उसी टाइप के होते हैं यहाँ पे, रेट बहुत हाई होते हैं यहाँ पे।
मतलब नॉर्मल चीज़ जो आपको एक नॉर्मल मार्केट में मिल जाएगी 100 रुपये की, यहाँ कम से कम वही चीज़ 150-200 की मिलेगी। एक से एक ब्रांड है यहाँ पे, एक से एक चीज़ की ले लो, चाहे ऑफिस का कोई स्टफ लेना हो या आपको झूमर लेनी हो, लाइट्स लेनी हो, डेकोरेशन सब तरह का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। कपड़ों का हो, चाहे बेड का हो, मशीन हो, फर्नीचर हो, एवरीथिंग अवेलेबल है। तो मोबाइल पे बात करते रहते हैं गाड़ी वाले और मोड़ देते हैं जहाँ मर्जी, बस पीछे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाड़ी वालों को। इसमें मैं भी ड्राइव करता हूँ कार यार, मैं कभी ये काम नहीं करता। अगर मुझे बात करनी है तो मैं ऑक्स पे लगाऊंगा, ब्लूटूथ पे लगाऊंगा, ये नहीं कि मोबाइल हाथ में पकड़ लिया अंदर लगे पड़े हैं बात करने में, कौन आगे आ रहा कौन पीछे आ रहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वही ना, किसी के नुकसान से इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, खुद का नुकसान होता जब फ़र्क पड़ता है इंसान को। वो एक कहावत है ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हम भी शाम को वापस आ गए बट नेक्स्ट डे आए हैं, शाम को रात को नहीं आए। थोड़ी भूख भी लग रही है, घर जाके ही बनवाएंगे, भैया आएंगे बना के जाएंगे। यहाँ पे पार्टी नहीं हो रही है, यहाँ पे ये वाइन शॉप है, पूरा सजा के रखते हैं वाइन शॉप को। थकावट भी हो गई है हल्की हल्की, बासी आने लग गई है। सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है अभी ये हैंडल पूरा बबलिंग कर रहा है, और बाइक से सामान उतारेंगे जब तो 15-20 मिनट उसमें लग जाते हैं। तो एक तो जैसे पोछते नहीं करते, बस ये लगता है बस छोड़ सब कुछ छोड़ छोड़ के भाग लो। अब अपने घर जाओ तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ तो फ्लैट पे क्या ना, पार्किंग कॉमन है, वहाँ पर सामान छोड़ नहीं सकते आप, तो इसलिए सामान साथ ही एक बार में ले जाना पड़ता है। चलिए फ्रेंड, मैं भी अपने फ्लैट पहुँच चुका हूँ। होप आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे, सीरीज़ गुड़गांव टू ऋषिकेश का, ऋषिकेश से गुड़गांव का। आप मुझे अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो कुछ ना कुछ कीजिए ज़रूर। मेरे को पता तो चले कि क्या हाँ कमी रह रही है जिससे आपको पसंद नहीं आ रहा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।